23 या 24 तारीख को आप यूएन जनरल असेंबली को वाया वीडियो लिंक खिताब करेंगे, वहां क्या एजेंडा रेस करेंगे? देखिए, असल तो कश्मीर है। मेरी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बात हुई तो मैंने उनसे गुजारिश की थी कि आप कश्मीरियों के लिए एक बैकग्राउंड लगाएं। प्राइम मिनिस्टर का खिताब था, लेकिन वो मनी लॉन्ड्रिंग का बिल और ये सारा कुछ लेके बैठ गए। इंडिया के साथ चाइना ने एक जंग जैसी कैफियत बनाई हुई है। चीन ने अक्वामे मुत्तहिदा से खिताब में, चाइना ना किसी के साथ सर्द जंग में जाना चाहता है ना गर्म जंग में जाना चाहता है। चाइना कोई अमली या दूसरी तरह की कोई जंग लड़ना ही नहीं चाहता किसी भी मुल्क के साथ। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, जहां पर संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय भी है, वहां यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 75वीं बैठक चल रही है, जो 22 से 29 सितंबर तक चलेगी। परंपरा यह रही है कि इस बैठक में सारे सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष उपस्थित होकर खुद अपना स्पीच करते हैं, लेकिन चूंकि इस साल महामारी चल रही है, इसलिए प्री रिकॉर्डेड स्टेटमेंट के द्वारा सभी शासनाध्यक्षों ने अपने अपने विचार रखे। भारत के लोगों की उत्सुकता ज्यादातर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी के स्पीच और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्पीच की तरफ थी। लोग यह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान हमेशा की भांति जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाएगा और चीन लद्दाख का मुद्दा उठाएगा और दोनों मिलकर भारत को ही दोषी ठहराएंगे, पर आश्चर्यजनक रूप से हुआ इसके विपरीत। इस संबंध में पाकिस्तान की मीडिया में क्या चर्चा हो रही है, आइए सुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर का खिताब था, हमें तो लगा रिकॉर्डेड था, लेकिन चले रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, प्राइम मिनिस्टर ने रिप्रेजेंट किया। लेकिन वो मनी लॉन्ड्रिंग का बिल और ये सारा कुछ लेके बैठ गए। उन्होंने फोरम से कुछ डिमांड विमांड मुझे नहीं सुनाई दी कि उन्होंने की हो कि फोरम को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। हाउ डू यू सी इट सर, इसको FATF के साथ भी अगर कानून साजिश हो उसके साथ जोड़ के अगर देख लें तो? सुना कि ये उन्होंने अंग्रेजी में ही खिताब किया, रिकॉर्डेड था, इसमें कोई शक नहीं था, लोकल भी उसमें टच दिया गया। आप जिस पोजीशन में ये तवक्को लगा के बैठे होते हैं कि कोई इंटरनेशनल सतह के ऊपर आपकी बात सुनेगा, वो बात उसको सुनी जाती है जब आप पोजीशन और स्ट्रेंथ के ऊपर होते हैं। आपकी इकोनॉमी जो है वो जब ग्रो कर रही हो या परफॉर्म कर रही हो, आपके इंटरनल स्टेबिलिटी जो है वो हो, पॉलिटिकल कोहेरेंस हो और आप की स्वार्थी जो कोर है, स्वार्थी कोर जो होती है वो आपकी एक्टिव हो, मेरा ख्याल है वो उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मेलिटी पूरी की है। अगर आप कहें कि कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट आए। ये बड़ा सिलेक्टिवली ऑपरेट करता है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। इंडिया के साथ चाइना ने एक जंग जैसी कैफियत बनाई हुई है। चीन ने अक्वामे मुत्तहिदा से खिताब में, चाइना का कोई इरादा नहीं है जंग लड़ने का, चाहे वो सर्द जंग हो चाहे दूसरी जंग हो, और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में चाइनीज सदर ने कहा, ना गर्म जंग में जाना चाहता है। चाइना कोई अमली या दूसरी तरह की कोई जंग लड़ना ही नहीं चाहता किसी भी मुल्क के साथ, तो उससे बचने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो इस वक्त चीन के सदर का स्टेटमेंट का ये वाला हिस्सा है, इसको इंडिया ने बहुत पसंद किया है, कुछ हिस्से जो है वो अमेरिका ने पसंद किए हैं, कुछ अरब ममालिक ने पसंद किए हैं, तो हर एक अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं कि भाईजान आपको गाड़ी टक्कर मार के गई है तो आप बच गए हो। उन्होंने कहा कि मैं बच तो गया हूँ लेकिन मुसीबत बहुत हो गई है, क्योंकि उसके पीछे होता लिखा हुआ था कि अच्छा दोस्त फिर मिलेंगे, वो झूठ बोलेगा मगर लाजवाब कर देगा, ठीक है ना? सही बात। 2000 से लेके 2020 तक ठीक हो गया। इस दौरान इस खित्ते के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान को भी खरब हार रुपए की ट्रांजेक्शन होती है, ठीक हो गया सर, खरब हार रुपए जब मैं कहता हूं तो डबल डिजिट खरब की बात हो रही है, ठीक है। इस दौर के अंदर इस खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई है। अब हम कह रहे हैं कि नहीं अच्छे बच्चे बन गए, सर ये तो ये ना हो गया आ बैल मुझे मार। सर ये बिल्कुल ठीक है, देखें पाकिस्तान की जो हालत है ना वो है हाथी की उस धूम की, कि हाथी निकल गया है उसको किसी ने नहीं देखा, वो धूम चूके पीछे हिलती रहती है, हम धूम वाले हैं, काम है हमारा। ये सारी कोशिशें जो पाकिस्तान जो कर रहा है, जिसमें आज वज़ीर-ए-आज़म साहब का खिताब भी था, आपने जिक्र किया, ये सारा उन कोशिशों की एक हम कड़ी है जो पाकिस्तान से हम कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि हम किसी तरह ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएं, ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएं,
हमनी हरकतें फिर हम जारी रख सके जी। ग्रे लिस्ट से हम बाहर आ जाएं, लेकिन ये बात जो है ये हम बड़े अजीबो गरीब लोग हैं जी। अगर दूध की कीमत ज्यादा हो तो हम दूध की दुकान पे खड़े होके उस बंदे को नहीं कहते कि आज तुमने कीमत बढ़ाई है और क्यों बढ़ाई है। हम जाके सब्जी वाले के पास कहते हैं कि ये दूध वाला बड़ा गंदा आदमी है, इसने आज दूध की कीमत 5 रुपए किलो बढ़ा दी है। और अगर सब्जी वाला जो है हमें बदबूदार टींडे दे दे या दुसे हुए लौकी दे दे, कद्दू यानी के दे दे, तो उसकी शिकायत जो है वो हम कपड़े वाले की दुकान पे जाके करेंगे या हम दही पकौड़ियों वाले से करेंगे। इस वक्त भी एग्जैक्टली हमारी हुकूमत जो है जिस जगह के ऊपर टक्कर मारनी है वहां पे नहीं मार रही और जो बात करनी है वो नहीं कर रही। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सर बात घूम फिर के हमारे घर भी नहीं आएगी बल्कि और कहीं जाएगी, और कहीं भी जाएगी। नहीं बिल्कुल, लेकिन दुनिया में पॉलिटिकल असैसिनेशन की तो जाहिरी बात होती है ऑन द सरफेस, दर हकीकत ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। देखें आप खुद बताते, खुद एक कॉमर्स के इकोनॉमिक्स के बड़े माहिर रिपोर्टर हैं रॉथस्चाइल्ड्स जो हैं, दुनिया में जो वर्ल्ड जो बैंकिंग सिस्टम का एक पूरा मरकज है बाबा आदम, और वो मैं समझता हूँ कि दुनिया की वेल्थ को कंट्रोल कर रहे हैं और वेल्थ के साथ पॉलिटिक्स पूरी कंट्रोल होती है। सारी की सारी जो पॉलिटिक्स में जितनी मैन्यूवरिंग जितनी मैन्युपुलेशन ये सारा वही एक वेल्थ का ही और माइट इज राइट वाली बात है। आपने एक वॉर का जिक्र किया, सैफ साहब उस पर नहीं बोले। वॉर ये थी जी कि वॉर को कराने वाले कौन थे, उसके फंडिंग कौन करते थे, उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन करते थे। वॉर ऑन टेरर पे जब पाकिस्तान ने हिस्सा लिया तो हमारी मदद कौन करते थे और हमें क्या उन्होंने पैसे दिए कि नहीं दिए, और वो पैसा अगर उनके अपने ऊपर इतना कर्ज है तो वो पैसा कहां से आ रहा था? बिल्कुल ठीक है। मसला ये ना जी कि अमेरिका एक हमारी तरफ है, दोनों तरफ खेल रहा है भाईजान, ये बात नहीं है। आपको याद होगा कि माजी में हमारे हमसाया मुल्क में वो मिस वर्ल्ड भी वहां पे थी, मिस यूनिवर्स भी वहां पे थी, और मिस पता नहीं अटलांटिक एशिया पता नहीं एशिया पैसिफिक, वो भी एक ही मुल्क से यानी इंडिया से बन गई। उसके बाद वहां पे जो फ्लड हो गया, जो ये आपकी कॉस्मेटिक्स या मेकअप वाली कंपनियां थी और मल्टीनेशनल का वहां फ्लड हो गया, हर एड के अंदर वो तीनों खवातीन जो अपनी अपनी गल क्यों नहीं दसते, आपकी लॉन्स और वाइल्ड ने भी वहां पे फ्लड कर दिया और आपने वहां पे सारे बिलियंस ऑफ रुपीस जो है अनऑफिशियल ट्रेड से कमाए वाया दुबई या वाया कश्मीर वो चले गए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी स्पीच हुआ, लेकिन हमेशा की तरह वे द्विपक्षीय विवादों से दूर रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या समस्याएं हैं और उनका हल कैसे निकाला जा सकता है, इस पर उन्होंने अपनी राय रखी। पर पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, वहां की मीडिया में यह खबर आ रही थी कि इमरान खान सरकार फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाएंगे। सूत्रों के अनुसार इमरान खान ने इसके लिए अपना स्पीच भी रिकॉर्ड कर लिया था, पर अंतिम समय में उन्होंने दूसरा स्पीच रिकॉर्ड कराया जिसमें जम्मू कश्मीर का मामला गायब था। आखिर इसका कारण क्या है? पाकिस्तान पर नजर रखने वाले राजनीतिज्ञों का कहना है कि इमरान खान की सरकार और पाकिस्तान की सेना के बीच दूरी बढ़ रही है, और यह दूरी और ज़्यादा गहरी हो गई है जब सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान की सरकार ने अपना संबंध बिगाड़ना शुरू कर दिया है। सऊदी अरेबिया को मनाने के लिए वहाँ के सेना प्रमुख ही वहाँ गए थे, इमरान खान सरकार की तरफ से वहाँ कोई नहीं गया था। ज्ञात हो कि सऊदी अरेबिया की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी पाकिस्तान के पास है, और इस कारण सऊदी अरब पाकिस्तान सरकार को तो आर्थिक मदद करता भी है, साथ साथ वहाँ के सेना प्रमुखों को और सेना के बड़े अधिकारियों को भी व्यक्तिगत रूप से आर्थिक सहायता करता है। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना का यह भी आरोप है कि इमरान खान सरकार जम्मू कश्मीर के मसले पर जितनी असरदार भूमिका निभानी चाहिए थी उतनी नहीं निभा पाई। इमरान खान सरकार की भूमिका केवल समाचार माध्यमों में बयान देकर हाइप क्रिएट करने तक ही सीमित रही है। जब यह खबर इमरान खान सरकार को लगी तो उन्होंने जो बयान जम्मू कश्मीर के संबंध में रिकॉर्ड करा रखा था उसको बदल दिया और उसे पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से गायब कर दिया। उनका यह मानना है कि जब सेना यह समझती है तो जम्मू कश्मीर के मसले को सेना ही सुलझाए। इसकी पुष्टि परसों जो सेना ने एक बैठक सेना मुख्यालय में बुलाई थी उससे होती है। उस बैठक में सभी पार्टी के नेता गए थे पर इमरान खान नहीं गए, कारण वहां जाकर अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहते हैं। यह सही भी है कि एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार का प्रधानमंत्री सेना प्रमुख से बड़ा होता है। होना यह चाहिए था कि इमरान खान के बुलावे पर सेना प्रमुख प्रधानमंत्री दफ्तर आते और यहीं पर बैठक होती। इसके अलावा इस तथ्य की पुष्टि 4 दिन पहले जो वहाँ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यह बयान दिया था कि वास्तव में पाकिस्तान में चुनाव संसद प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल सब दिखावे के लिए हैं, वास्तव में शासन तो सेना ही करती है। अब इस तथ्य की
जानकारी इसकी कलई अब इमरान खान को भी समझ में आने लगी है और जितना जल्दी समझ में आ जाए कि वे कठपुतली प्रधानमंत्री हैं उतना जल्दी ही अच्छा होगा। दूसरी तरफ जहां तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बयान का सवाल है, उन्होंने तो लद्दाख का मामला तो उठाया पर उन्होंने यह भी कहा कि हम भारत के साथ शांति सुलह के पक्षधर हैं। इस बदले हुए सुर का आखिर कारण क्या है? कारण यह है कि आज की तारीख में भारत को लद्दाख बॉर्डर पर बढ़ोतरी हासिल हो गई है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।